हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि लगता है हम यहाँ फंस गए हैं। इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे वी सीम टू हैव गॉट स्टक हियर। वी सीम टू हैव गॉट स्टक हेयर, यहाँ पर इसने कहा है लगता है, इसलिए हम यहाँ पर सीम टू का यूज़ कर रहे हैं। वी सीम टू हैव गॉट स्टक हेयर, यानी लगता है हम यहाँ फंस गए हैं। अब हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा और उन्हें रोकना होगा। आगे बोल रही है कि नाउ सम हाउ, अब हमें किसी भी तरह, नाउ सम हाउ वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ हेयर, हमें यहाँ से निकलना होगा, यानी स्टॉप देम और उन्हें रोकना होगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, हमने यूज़ किया है वी हैव गॉट टू। यहाँ पर गॉट को हटा दो, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं वी हैव टू, मीनिंग सेम ही रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर वी हैव गॉट टू इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ी अपनी बात पर जोर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि नाउ सम हाउ, अब किसी भी तरह वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ हेयर, हमें यहाँ से निकलना होगा, एंड स्टॉप देम और उन्हें रोकना होगा अगर हम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हैं तो। आगे बोल रही है कि इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, If we want to get out of here alive, यानी अगर हम यहाँ से ज़िंदा निकलना चाहते हैं तो if we want to get out of here alive, हमें कुछ सोचना होगा। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर कह रही है कि अगर हम यहाँ से ज़िंदा निकलना चाहते हैं तो हमें कुछ सोचना होगा। यहाँ पर सोचने से मतलब है कि हमें कोई आइडिया सोचना होगा, कोई प्लान सोचना होगा, किसी आइडिया के साथ हमें आना होगा ताकि हम यहाँ से निकल जाएँ। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे कम अप विथ फ्रेजल वर्ब का, इसका मतलब है कि कोई आइडिया, कोई प्लान, ये सोचना, इसके साथ आना, इस सिचुएशन में हम करेंगे कम अप विद का। तो यहां पर कह रही है कि हमें कुछ सोचना होगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव गॉट टू कम अप विद समथिंग, वी हैव गॉट टू कम अप विद समथिंग, यानी हमें कुछ सोचना होगा, कोई प्लान, कोई आइडिया सोचना होगा हमें, वी हैव गॉट टू कम अप विद समथिंग, अगर हम साथ मिलकर सोचें। अब इसे भी थोड़ा ध्यान से देखना, आगे कह रही है कि अगर हम साथ मिलकर सोचें, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं इफ वी पुट आवर हेड्स टुगेदर, If we put our heads together, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है put our heads together, इसका मतलब है कि अगर हम साथ में मिलकर सोचें अपने heads को, यहाँ पर कहने का मतलब है कि दोनों अपना दिमाग मिला के सोचें, है ना, इसलिए कह रही है कि if we put our heads together, अगर हम साथ मिलकर सोचें तो हम कुछ सोच सकते हैं, यानी कि कोई आइडिया, कोई प्लान हम सोच सकते हैं। कह रही है कि we can come up with something, We can come up with something, कह रही है कि if we put our heads together, अगर हम साथ मिलकर सोचें, we can come up with something, तो हम कुछ सोच सकते हैं, कोई आइडिया, कोई प्लान बना सकते हैं। देखो, मैंने एक प्लान सोचा है, तो काफ़ी सोचने के बाद इसने एक प्लान बनाया है, एक प्लान सोचा है अपने दिमाग में, तो उससे कह रहा है कि लुक आई हैव कम अप विद अ प्लान, लुक आई हैव कम अप विद अ प्लान। तो हमने फिर से कम अप विद फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर प्लान की बात चल रही है। मैंने बताया था ना, कोई आइडिया, कोई प्लान, कुछ भी सोचना, उसके बारे में यूज़ करते हैं कम अप विद का। तो कह रहा है कि देखो मैंने एक प्लान सोचा है, लुक आई हैव कम अप विद अ प्लान, क्या ये अच्छा नहीं रहेगा अगर तुम उन सब को इस बारे में बता दो। तो इन्होंने किसी से कोई बात छुपा रखी है, कोई सच्चाई है जो ये किसी को नहीं बता रहे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या ये अच्छा नहीं रहेगा अगर तुम उन सब को इस बारे में बता दो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वुडेंट इट बी बेटर, वुडेंट इट बी बेटर, क्या ये अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर वुड का भी यूज़ होगा और इफ वाले पार्ट में हम पास्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर टेल नहीं आएगा, टोल्ड आएगा। इसे थोड़ा ध्यान से देखना, कह रहा है कि वुडेंट इट बी बेटर, क्या ये अच्छा नहीं रहेगा इफ यू टोल्ड देम ऑल अबाउट इट, अगर तुम उन सबको इस बारे में बता दो। तो कंफ्यूज मत होना, सेकंड कंडीशनल है इसलिए यहां पर टेल की जगह टोल्ड आया है, क्योंकि हमेशा सेकंड कंडीशनल में हम इफ के बाद जो वर्ब यूज करते हैं वो सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। तो यहां पर ये कह रहा है कि क्या ये अच्छा नहीं रहेगा अगर तुम उन सबको इस बारे में बता दो, वुडेंट इट बी बेटर इफ यू टोल्ड देम ऑल अबाउट इट, मैं जानता हूं इसमें रिस्क है। आगे कह रहा है कि आई नो इट इन्वॉल्व्स रिस्क, आई नो इट इन्वॉल्व्स रिस्क, मैं जानता हूँ इसमें रिस्क है, आई नो इट इन्वॉल्व्स रिस्क, लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे भी तो नहीं बैठे रह सकते। आगे कह रहा है कि बट वी कांट जस्ट सिट ट्विडलिंग आवर थम्स, ट्विडलिंग आवर थम्स का मतलब है हाथ पे हाथ रखे बैठना। तो बता रहा है कि बट वी कांट जस्ट सिट ट्विडलिंग आवर थम्स, यानी लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे भी तो नहीं बैठे रह सकते, अगर हम उन्हें सच बता दें तो वो हमें जाने देंगे। यहाँ पर ये बता रहा है कि दे विल लेट अस गो, यानी वे हमें जाने देंगे, दे विल लेट अस गो इफ वी टेल देम द ट्रूथ, अगर हम उन्हें सच बता दें, दे विल लेट अस गो इफ वी टेल देम द ट्रूथ, अगर हम उन्हें सच बता दें तो वे हमें जाने देंगे, दे विल लेट अस गो इफ वी टेल देम द ट्रूथ। यहाँ से जिंदा निकलने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है, कह रहा है कि दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव,
दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, यानी यहाँ से जिंदा निकलने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, बस इतना ही सोच सकते हो तुम। तो उसका प्लान सुन के कह रही है कि बस इतना ही सोच सकते हो तुम। तो जब भी हम इस तरीके से बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स ऑल यू कैन कम अप विद, क्या बस इतना ही सोच सकते हो तुम, ऐसे प्लान बना सकते हो, ये आइडिया ला सकते हो। इसलिए कह रही है कि दैट्स ऑल यू कैन कम अप विद, बस इतना ही सोच सकते हो तुम। मुझे तो लगा था तुम कुछ बहुत अच्छा सोचोगे, यानी कोई अच्छा आइडिया आओगे लाओगे, कुछ हटके सोचोगे। कह रही है कि मुझे तो लगा था तुम कुछ बहुत अच्छा सोचोगे। आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट, यानी मुझे तो लगा था तुम कुछ अच्छा सोचोगे, कुछ हटके सोचोगे। आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। निराश करने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं लेट डाउन का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि बट यू लेट मी डाउन, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। बट यू लेट मी डाउन, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। क्या गारंटी है कि वे हमें नहीं मारेंगे? तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उन्हें सच बता दें, जैसे कि वो इनसे कह रहा है तो क्या गारंटी है कि वो हमें नहीं मारेंगे? व्हाट्स द गारंटी दैट दे वोंट किल अस, यानी क्या गारंटी है कि वे हमें नहीं मारेंगे? व्हाट्स द गारंटी दे वोंट किल अस, जब तक वे सच नहीं जानते हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये कह रही है कि as long as they don't know the truth, यानी जब तक उन्हें सच नहीं पता, जब तक वे सच नहीं जानते, as long as they don't know the truth, we don't need to worry, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। we don't need to worry, यानी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। as long as they don't know the truth, जब तक वे सच नहीं जानते। बहस मत करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दो दोस्त लड़ रहे हैं, तो लड़की इनसे कह रही है कि बहस मत करो आपस में, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आओ। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट, यानी बहस मत करो, डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट एंड बी नाइस टू ईच अदर। बी नाइस टू ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आओ। डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट एंड बी नाइस टू ईच अदर, बहस मत करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आओ। हम दुश्मन हैं, कह रही है कि हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। वी आर नॉट एनिमीज बट फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे वी आर नॉट एनिमीज बट फ्रेंड्स, यानी हम दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं। वी आर नॉट एनिमीज बट फ्रेंड्स। पैसे खत्म होने से पहले मुझे नौकरी ढूंढनी होगी, इसके पास पैसे कम है और नौकरी है नहीं। तो बता रही है कि आई हैव टू फाइंड अ जॉब बिफोर आई रन आउट ऑफ मनी। तो हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया है रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। तो कह रही है कि आई हैव टू फाइंड अ जॉब, मुझे नौकरी ढूंढनी होगी बिफोर आई रन आउट ऑफ मनी, इससे पहले कि मेरे पास पैसे खत्म हो। मुझे सच में नहीं लगा था तुम आओगी। आने के लिए अगर हम कोई फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे तो उसका शो अप होगा, शो अप। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई ऑनेस्टली डिडंट थिंक, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम आओगी। हम यहाँ तम का भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज करो। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई ऑनेस्टली डिडेंट थिंक यू वुड शो अप या यू वुड कम, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम आओगी। नाश्ते में मैं आमतौर पर केवल फल खाती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजली ओनली ईट फ्रूट। फॉर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में, हम यहाँ इन ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजली ओनली ईट फ्रूट, नाश्ते में हम केवल फल खाती हूँ, बता रही है अपने बारे में। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगी, यहाँ पर कोई विलन है उसके बारे में बात चल रही है कि वो तुम्हें भी परेशान कर रहा है, तो तुम मेरी मदद करो मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगी। कह रही है कि इफ़ यू हेल्प मी, यानी अगर तुम मेरी मदद करती हो, इफ़ यू हेल्प मी आई हैव हिम अरेस्टेड, तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगी, गिरफ्तार करवा दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ, यानी इस बात के लिए मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ। आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट का मतलब होता है कि इसके लिए मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ, जो मैंने बात कही। आई गिव यू माई वर्ड फॉर इट, यानी मैं इसके लिए तुम्हें ज़बान देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।